नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, गेसन्स और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया NDTI मामले में एक अहम और बड़ा खुलासा BCN अब तक लेकर आया है। दोस्तों, गेसन्स ने NDTA से 1900 स्क्वायर फीट जमीन लीव एंड लाइसेंस तहत उनसे लिया और इसी क्षेत्र में 135 स्क्वायर फीट जमीन वो दूसरे ने लिया था, उसके बारे में आज हम आपको एक कंपेयर बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले गेसन्स ने NDTA से ये ज़मीन लीव एंड लाइसेंस के तहत 29 ईयर्स यानी कि 29 साल के लिए उससे करारनामा किया। कुछ ऑब्जेक्शंस के बाद इस ज़मीन का करारनामा रद्द करके 29 साल से उसे 5 साल कर दिया गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी क्षेत्र में इसी NDTA की ज़मीन जो दूसरे ने लिया था वो 135 स्क्वायर फीट ज़मीन सिर्फ 33 महीने के लिए लिया और 135 स्क्वायर फीट का डिपॉजिट 15 लाख रुपए लिया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब 135 स्क्वायर फीट ज़मीन के लिए एक शॉप के लिए अगर 15 लाख डिपॉजिट लिया गया तो उसी जगह पे उसके ठीक बगल में 1900 स्क्वायर फीट ज़मीन देने के लिए फिर डिपॉजिट कितना लेना चाहिए था? क्योंकि 135 स्क्वायर फीट अगर कंपेयर करें, जो गेसन्स को 1900 स्क्वायर फीट मिले हैं उसके कंपेयर में यह लगभग 14 गुना ज़्यादा ज़मीन गेसन्स को मिला है। यानी कि 15 लाख का 14 गुना ज़्यादा गेसन्स ने डिपॉजिट करना चाहिए NDTA को, यानी कि लगभग 2 करोड़ रुपए गेसन्स ने NDTA को डिपॉजिट के तौर पे जमा करना चाहिए और NDTA ने इसे अपने पास लेना चाहिए। 135 स्क्वायर फीट का शॉप में Yes. और उसके लिए उन्होंने उनसे 15 लाख रुपीस डिपॉजिट किया था। करेक्ट, मैं यही सुनना चाह रहा था। ठीक है, अब मैं मुझे एक बात बताइए, 135 स्क्वायर फीट के लिए अगर उसी एरिया में एकदम बाजू में बोल सकते हैं 15 लाख रुपए डिपॉजिट कोई देके गया है ना, तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो लगभग 14.5 गुना ज्यादा जमीन आपने गेसन्स को दिया है 135 स्क्वायर फीट के कंपेयर्ड में। तो फिर इसका डिपॉजिट भी तो लॉजिकली 14 गुना ज्यादा होना चाहिए जो 2 करोड़ होते हैं। आपके पास ऐसी कोई पार्टी है तो ले आइए प्लीज। ऐसी पार्टी आपने ढूंढे? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं काफी ढूंढा है, ऐसा होना चाहिए। नहीं, ऐसा जरूरी आप ले आइए, ये जवाब नहीं है। नहीं नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ ना, ये ऐसा तो होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास में जो अवेलेबल एप्लीकेशंस थे हम लोगों ने उसमें। अगर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया NDTA गेसन से 2 करोड़ रुपए की डिपॉजिट लेती तो कहीं ना कहीं NDTA ट्रस्ट को एक बड़ा फायदा भी होता। एज अ सेक्रेटरी आप तो हमेशा चाहेंगे कि NDTA को फायदा होना चाहिए, राइट? बिल्कुल, है ना। तो आपने इसको एक न्यूज़पेपर में, आपने मुझे बोला कि आप ज़्यादा ले आइए, आप ज़्यादा अमाउंट वाले किसी को लेकर आइए, इसको आपने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया क्या, जिससे ताकि लोगों को पता चले और लोग फिर आए? लोग तो ऐसे ही आएंगे, जब तक आप मीडिया या प्रेस में इस चीज़ों को नहीं बताएंगे तब तक कैसे पता चले? कहीं ना कहीं पब्लिसिटी तो करना पड़ेगा। ये करना चाहिए था। दोस्तों, इस डील में NDTA को कोई फायदा नहीं है, लेकिन गेसन्स को 1.75 करोड़ रुपए के आसपास का फायदा है। फिर देखा जाए तो NDTA को लगभग 2.25 करोड़ रुपए का नुकसान है। अब सवाल ये उठता है कि एक ट्रस्ट को नुकसान क्यों किया गया और एक बिजनेसमैन को फायदा क्यों पहुंचाया गया? तो सवाल ये उठता है कि क्या इस ट्रस्ट के जो मेंबर हैं, क्या उन्हें कोई व्यक्तिगत फायदा हुआ है जिसकी वजह से इन लोगों ने ट्रस्ट के बारे में सोचना छोड़ करके एक बिजनेसमैन को फायदा कैसे मिले उसके बारे में सोचना शुरू किया? आखिर ऐसा कोई क्यों करेगा? एक बड़ा सवाल कहीं न कहीं इसमें जरूर उठता है। जो भी अभी तक जो चीजें हुई है, मैं उससे कहीं न कहीं ये समझ में आता है कि आपका और गेसन्स के साथ में ऑलरेडी एक म्यूचुअल बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं से आप गेसन्स को उसको पर्सनली कुछ फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं। टोटली फॉल्स। गेसन्स के मालक राहुल अग्रवाल एक बिजनेसमैन है और एक बिजनेसमैन को इसमें फायदा हुआ है लेकिन NDTA को नुकसान हुआ है, लेकिन इसके बावजूद NDTA ट्रस्ट चुप है। सवाल करने पे उन्हें गुस्सा आता है, उन्हें चिढ़ आती है। आई क्लोज दिस कॉन्वर्सेशन हियर विद माई स्टेटमेंट दैट वी विल वेट फॉर द कोर्ट ऑर्डर, व्हाटएवर द कोर्ट गिव्स वी विल अबाइड बाय। आपके बगल में है वो, आपके बगल में है वो। तो क्या सवाल ये उठना लाजिमी नहीं है कि NDTA ट्रस्ट को नुकसान जायज है, लेकिन क्या व्यक्तिगत फायदा इतना ज्यादा है कि NDTA ट्रस्ट का नुकसान इन लोगों को जायज लगने लगा? एक बड़ा सवाल इसमें जरूर उठता है, क्योंकि अच्छी डील लेने के लिए इन्होंने इसका एक न्यूज़पेपर में पब्लिसिटी करना चाहिए था, ताकि जिसकी वजह से एक अच्छी डील आए और NDTA को फायदा हो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो एक सवाल फिर उठता है कि क्या
NDTA ट्रस्ट द्वारा एक धर्म या एक संस्था के नाम पे एक बड़ा घोटाला या फिर इसके आड़ में एक पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्या मामला ऐसा है? ऐसे असंख्य सवाल अभी उठ रहे हैं और उठना लाजिमी भी है। ये डील आखिर इतने सस्ते में क्यों किया गया, ये सवाल अभी भी बरकरार है और इस पर कई अहम जानकारी मैं आप तक लेकर आते रहूँगा। आप देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ सिर्फ इन बी सी एन न्यूज़ पे।